हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग अगेन यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए मैथ्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोगों की जो क्लास शाम 7 बजे थी वो किसकी थी? रीजनिंग की थी। और जो अपना 8 बजे की क्लास होती है वो किसकी होती है? मैथ की। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैथ सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर टोटल 6 सेट सॉल्व कर चुके हैं और हमारा ये है 7वां सेट, ठीक है। जो अपना टारगेट है वो टारगेट 2023 में जो आपका जनवरी में पेपर होना है उसका है। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी में हुए जो 2021 में पेपर हुआ था उसी का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो 25-25 क्वेश्चन आते थे, 25 मैथ, 25 हिंदी या इंग्लिश, 25 जीएस और 25 रीजनिंग के। तो रीजनिंग का भी हमने कंप्लीट ही कर लिया है अब देखो। लेकिन इस बार का सिलेबस क्या हुआ है, आपको 20-20 क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। ये पेपर की बात करें तो 26/11/2021 को ये पेपर हुआ था, 4 से 5:30 के बीच में। कहाँ पर हुआ था ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेना। जो अभी हमने रीजनिंग का पेपर सोल्यूशन देखा है ना, उसी सेट, मतलब ये वही सेट है, इसमें उस सेट में जो मैथ पूछी गई थी ना वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर है, एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, जब वह 340 रुपए में बेचता है ना तो उसको 20% की हानि हो जाती है। 20% की हानि का मतलब वह वस्तु को 80% में ही बेच देता है। तो 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 340। तो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना होगा। 15% का मतलब होता है 115 में यदि बेचा जाए, देखो 80 में बेचा गया है तो 340 रुपए में बिकी है। अगर 115 में बेचेंगे तो कितने में बिकेगी आपसे ये सिंपल पूछा गया, तो 340। अच्छा, यहाँ से इसको कट कर लो, 2 से इसको कट करोगे, 2 चौके 8 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 17। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो कि यहाँ लिख लो 17 या 115 पहले लिख लो, 115 × 17 बटे में कितना आएगा? 4। ये वाला इसके बटे में आ जाएगा ना, 4, ठीक है। अब 17 × 115 जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा? 17 × 5 = 85, जो 5 बचेगा 8, 17 × 17 = 17, 17 × 8 = 25, 2, 17 × 17 = 19, 1955/4, ठीक है। जब ये आ जाए तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आराम से इसको कट कर लीजिए, कितना आएगा? 4 × 16 बचेगा 3, 35, 4 × 8 = 32, फिर बचेगा 3, फिर ये हो जाएगा 35, 4 × 8 = 32, फिर बचेगा 3, 0 लग जाएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। तो 488.75 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ इसमें दे दूंगा, क्लियर है ना। अगला है क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन, इस सेट का लाजवाब क्वेश्चन है ये बात मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ पर है कि एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, पर समान राशि पर समान दर पर समान टाइम पीरियड में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 1080 है, समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर कितना होगा, क्लियर ना, 3 वर्ष का आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर CI2 की बात करें, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? 1128.6। यदि हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें साधारण ब्याज की, वो हो जाएगा 1080, कितना हो जाएगा? 1080। यहाँ पर ये 2 साल का है, यदि मैं 1 साल का देखूँ तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट वो दोनों सेम होता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? जस्ट इसका आधा, 540। तो यदि मैं 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखूँ तो ये भी कितना होगा? 540 होगा। यदि मैं दूसरे साल कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी बात करूँ, ये तो टोटल है 1 और 2 साल का, केवल दूसरे साल की बात करूँ तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, मतलब 588.6 मिला, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? रेट निकाल लेंगे, इसकी दर क्या है। तो देखो, पहले साल मिला 540, फिर मिला 588.6, तो कितना अधिक मिला? सर यहाँ पर हमें मिला है 48.6 रुपये अधिक, कितने में से? 540 में से। परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर कितना लगा लेंगे? 100, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 5, 9, 45, 4, 9, 36, ये पूरा 0.9 बार में कट जाएगा। आगे कितना लगा है? 10, तो 0.9 × 10 कितना हो जाएगा? टोटल 9%। तो रेट इसमें कितना लगा है? 9% लगा हुआ है, ये बात तो क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसमें आप लोग मूलधन निकाल लो कि मूलधन कितना है। तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर यहाँ हो जाएगा ब्याज गुणे 100/time × rate, ये हो जाएगा। तो ब्याज कितना है? 540, एक ही साल का देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100/, यहाँ पर टाइम कितना है? 1 साल का, और रेट कितना है? 9%।
9 से इसको कट कर देंगे कितना आएगा 6, तो ये 3 जीरो लगे हैं तो इस पे कितना आ जाएगा 6,000 आपका आ जाएगा मूलधन। पी कितना आएगा 6,000। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पर पी आ गया 6,000 और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1128.26, तो यदि हम 6,000 में, ध्यान देना, यदि हम 6,000 में 1128.6 ऐड कर दे तो ये 2 साल का मिश्र धन निकलेगा कि नहीं, कितना आएगा देखो 6,1,7,1,2,8.6 इतना आएगा ना। अब इस पर क्या करो आप लोग, 9% अगेन लगा दो तो 3 वर्ष का निकल आएगा कि चल कि 3 वर्ष में कितना आपको मिला है ना, आपका चक्रवृद्धि मतलब मिश्र धन कितना है। जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 1128 से ये, ठीक है, तो 9×6=54 बचेगा 5, 9×8=72, 73×74=75, 77 की यहाँ हो जाएगी 7, बचेगा कितना 7, तो 9×2=18, 18×7 हो जाएगा 25, 25 की 5 बचेगा कितना 2, 9×91=9, 2×11=1, 1×9=63, 1 कितना हो जाएगा 64, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ये क्या निकला है 3 साल का मिश्र धन कितना आया देखो, यहाँ पर हो जाएगा 574 सिंपल से, ठीक है, आगे कितना होगा 8×1=9, यहाँ पर 4×2=6, 6×1=7, यहाँ पर 77×69 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ कि 2 साल का, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि 2 साल का आपका ये कितना होगा, सॉरी 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2 साल का 540 है, 3 साल का निकालेंगे 3 का गुणा कर दो 0, 3×4=12 हाँ से लिए 3×5=15, 1×16 कितना आ गया 1620, तो यहाँ पर आ जाएगा 1620, तो ये हो जाएगा 1620, कितना हो जाएगा 0, 2, 6, 6×7 कितना हो गया 7620, और ये कितना है 77×69.574, इससे घटा दो 77×69.574, इससे हम लोग इसको घटा देंगे तो ब्याज में अंतर निकल आएगा हमारा कितना 7620 है ना, तो इससे 7620 घटा कितना है देखो लास्ट में आएगा 576, 574, ठीक है, शायद हमने कहीं पर गुणा भाग में गलती की होगी, वो देख लेना आप लोग, यहाँ पर कितना है 9 है, 6 से 2 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 149 कितना आ गया 149.574, 149 के नज़दीक क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। गुणा भाग एक बार देख लेना, थोड़ा बड़ा गलती हो सकती है इस पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0. इसका आपको मान बताना है, एक्स का मान क्या हो, कैसे निकालेंगे 0.45 अनुपात लगाए तो बटे में आएगा एक्स बराबर 3/x कितना आएगा, 3 से इसको कट करेंगे 0.15 और इसका गुणा इसमें कर देंगे 8 में, तो एक्स का मान कितना आएगा 15×8=120, 1.2 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलता है और 330 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपने गंतव्य से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो यदि वो 330 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको लगता है मतलब 330 किलोमीटर की दूरी तय करता है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, जो कितना टाइम लग रहा है 0 से 0 कट गया 6 से 5.5 मतलब 5.5 घंटे 5 से 1/2 घंटे लग रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 330 की दूरी को इसे 5 घंटे में कवर करना है, कितना इसकी स्पीड होनी चाहिए 5×6=30, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, चल कितने से रहा है 60 से, होनी कितनी चाहिए 66, तो इसे कितना बढ़ाना चाहिए 6 बढ़ाना चाहिए, कितने में से 60 में से, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा लास्ट में 10%, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो इसमें है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 में खरीदी, उस पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित मूल्य अंकित किया गया, उसे 15% की छूट पर बेच दिया गया, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50,000 से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे जो आंसर दे रखे हैं वो सारे परसेंटेज में, तो हमने मान लिया कि उसका मूलधन कितना था 100, मूलधन नहीं सॉरी क्रय मूल्य कितना था 100, उसने 20% ज़्यादा अंकित किया मतलब 120 उसने अंकित कर दिया, ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया 120 पर 15% की छूट दे दी, तो यदि मैं बात करूँ तो 120 का 15% कितना होगा 15 ये बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा दशमलव लग जाएगा 15×2=30
15 दिन 18, कितना रुपया होगा? 18 रुपया। अगर 120 अंकित मूल्य है, इस पर 18 रुपये की छूट दे रहा, तो ये वस्तु कितने में बेच रहा है? 102 में। क्रय मूल्य इसका कितना था? 100। बेच रहा है 102 में, कितने का होगा भैया? 2% का लाभ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आगे अगले की बात करें तो यहाँ पर एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिन में, अगर मैं बात करूँ तो वो 3 भाग कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो 8 भाग कितने दिन में करेगी? 3 * 9 = 24 दिन में, ठीक है ना। ये पूरा काम कितने दिन में करेगी? देखो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 3/8 भाग कितने दिन में करते हैं? मतलब 3 भाग करती है 9 दिन में, 3 * 9 = 3, 3 * 9 = 9, तो 8 भाग कितने दिन में करेगी? 8 × 3 मतलब 24 दिन में। बी, उसी कार्य का 80%, अगर ये 80% 16 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा? देखो 0 से दशमलव लगा दो, 8 × 2 = 16, 0.2, इसमें 100 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 20 दिन में। तो बी से कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो आगे है, दोनों ने मिलकर कार्य को 5 दिन तक किया, दोनों ने मिलकर के कार्य को कितने दिन तक किया? 5 दिन तक किया है। इसके बाद क्या हो रहा है कि शेष कार्य को अकेले सी 6/1 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर इनका कुछ काम मान लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर टोटल वर्क मान लिया 120, तो 24 × 5 = 120, 20 × 6 = 120 इतना आएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? ये कर लेंगे एक दिन में 6, 5, 11 काम, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो मल्टीप्लाई 5 करा दो, कितना काम हो गया भैया? 55 काम आपका हो गया है, ठीक है। काम बचा कितना है? 10 से 5 जाएगा यहाँ 5 आएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 65 काम बचा है। 65 काम को सी कितने दिन में पूरा करता है? 6 × 2 = 12, 13/2 दिन में। तो 65 काम को आप लोग 13/2 दिन में पूरा करवा लो, 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 13 + 5 = 65, और 5 × 2 = कितना आ गया? 10। जो सी की क्षमता है वो कितनी आ गई? 10। इसकी क्या है ये क्षमता, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 10। इसमें पूछ रहे हैं ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सी की क्षमता है 10, ए की क्षमता है 5, तो 10 + 5 टोटल क्षमता कितनी होगी? 15, मतलब एक दिन में 15 काम करेंगे, टोटल 120 काम करने हैं, तो 120 / 15 कितना आ गया? 15 × 8 = 120, टोटल काम 8 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बॉडमास रूल का, या बॉडमास से हमें एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हमें इस पर ऑफ सॉल्व करना होता है, कर लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 3 और 2 का मल्टीप्लाई बटे 6, माइनस साइन फिर ऑफ है, 4 × 8 / 5 = 15, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। क्यों 4/7 क्यों होगा? क्योंकि डिवाइड का साइन जैसे हटेगा 1/ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस का हम लोग साइन लगाएंगे। यहाँ पर 7 * 3 कितना हो जाएगा? 21। 7 * 3 = 21, भाग का साइन है या गुणे का साइन होकर 1/2 हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर? 21/2। अब इस पर क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 15 * 7 = 105 आ जाएगा, कितना आएगा? 15 * 7 = 105, 6 से कटेगा क्या? 6 से इसको काट के चेक कर लो, 6 * 9 = 6 = 40 = 45, 6 से नहीं कटेगा। 105 के अलावा इस पे ले लो 210, आप लोग क्या करो, इसका एलसीएम आप लोग कितना ले लो? 210। ये दो कटेगा कि नहीं? दो कितने से कटेगा? 6 से, 6 * 9 = 6 * 3 = 18, कितना हो जाएगा? 6 * 3 = 18, 30 * 6 = 35 ये 35 बार में कट जाएगा माइनस। अब ये 15 से कितने बार में कटेगा? 15 * 7 = 105, तो 7 × 2 = 14, ठीक है, 14 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 14 का गुणा करा दो इसमें 8 में, कितना आएगा? 14 * 8 = 112, कितना हो जाएगा? 14 * 8 = 112 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 का गुणा कराओगे 30 आएगा, और 3 * 4 कितना होगा? 120 यहाँ से आ जाएगा। 2 से इसमें आप जैसे डिवाइड लगाओ कितना आएगा? 105, कितना आएगा? 105, 105 में 21 का गुणा करा दो, 21 इसमें गुणा कराओ कितना आएगा? 105 मल्टीप्लाई 2 * 5 = 10, 2 * 9 = 2, कितना आएगा? 2 * 9 = 2, इसको ऐड कर लो कितना आएगा? 2 * 2 = 0 = 5, 2205 यहाँ कितना हो जाएगा? 2205, कितना आएगा? अब इस पर जो प्लस हो रहा है प्लस कर लो, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दो, तो 22, अच्छा 112 इससे घटा दो, 120 से 112 घटाओ कितना मिलेगा? 8, 35 में 8 ऐड करोगे तो 35 * 5 = 40, 40 * 3 = 43, तो 2205 में आप लोग क्या करो? 43 ऐड कर दोगे, तो 5 * 3 = 8 = 4, 2248 कितना आ गया? 2248/210, इसको कट कर लो, कितने बार में कट होगा? 1124/105, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक, अगर ये 100 है तो ये कितना है? 125 है। तो ये बताओ ये इससे कितना कम है? ये 25 कम है। किससे कम है? 125 में से। परसेंटेज के लिए 100, 25 पंच से 125, 5 दो 10, कितना आ गया? 20% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आगे यहाँ पर है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, एक रेलगाड़ी ऐसे। जब ऐसे ऐसे जाएंगे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी इंटू समय होता है ना, टोटल दूरी कितनी है? 120 और 180 दोनों को ऐड करेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 300। तो दूरी इस पे आपकी कितनी है? टोटल दूरी है 300। चाल कितनी है? 34 और 32 इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 3 6 66 66 को ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई, इसको कट कर लो, 6 3 18, 6 से हो जाएगा 11, कितना आएगा? 11 5 55 बटे 3, तो 3 ऊपर ले लो, ये कितना हो जाएगा 5 से इसको कट कर लो, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 60 और 6 3 18 कितना आ गया? 180/11 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? देखो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड चाहिए, ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग ज़्यादा से कम में जा रहे हैं। अगर कम में जा रहे हैं तो कम का मल्टीप्लाई, मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो फिर ज़्यादा का मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 का इसमें गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है इतना? ठीक है। इस पे है कि एक वर्ग का परिमाप 64 है, ठीक है, ऐसे करके एक वर्ग है इसका परिमाप 64। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, और वर्ग की चारों भुजाएँ क्या होती? बराबर होती हैं। तो चार भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो 4a = कितना आ गया? 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। इसमें बोला गया है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है इस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 cm² कम है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? 16² कितना होता है? 256। ए स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? 256। इससे कितना कम है? इससे कम है 16, तो इससे घटा दो, कितना आ जाएगा? 240। ये आएगा देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्र कितना आ गया? 240। आयत की जो लंबाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये होता है L इंटू बी। लंबाई अगर 20 है तो B का मान निकालेंगे तो 240 / कितना हो जाएगा? 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा? 12। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 12। इसका हमें परिमाप बताना है, परिमाप क्या होता है? आयत का 2 L + B, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। L लंबाई कितनी है? 20 है। चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर 12 है, तो 20 + 10 = 30, तो 32 हो जाएगा। 32 × 2 करेंगे हम लोग, यहाँ से कितना आएगा? 64 आ जाएगा, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, आगे यहाँ पर अगला है कि रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपये हैं, यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है, तो रोहित के पास कितनी राशि है? तो हमने मान लिया रोहित को, हमने R मान लिया, R का 10/21, रोहित की संपत्ति का 10/21, ठीक है, जो कि मनोज के धनराशि का 5/7 के बराबर, M का 5/7 के बराबर, तो 7 × 3 = 21 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया। तो R/M की यदि हम बात करें तो R परी 3 उधर जाएगा, 3/ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 × 2 = 5, इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल धनराशि कितनी है? 1320। तो 5 की वैल्यू हो गई 1320। क्या पूछ रहा है? रोहित के पास धनराशि कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 10, 32, 5 × 6 = 31, 2 = 20, 5 × 6 = 20, 264। तो 264 * कितना हो जाएगा? 3। इसका मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 12 = 2, हाँ से लिए 3 × 18 = 19, 3 × 9 = 6 = 7, कितना आ गया? 792 जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर है कि 13,540 की धनराशि को कमल और सुनीता के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन, क्या 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष पश्चात कमल के हिस्से पर जो प्राप्त मिश्रधन है
वो समान दर पर 7 वर्ष पश्चात सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन के बराबर है, तो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो कमल का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल, इसमें 5 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात, तो इसमें टाइम का अंतर कितने का आ रहा है, 2 वर्ष का आ रहे हैं, तो 8% है, तो 8% को हम लोग कितना लिखेंगे, 8/100 फ्रैक्शन में करेंगे, तो 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 2/25, मतलब 25 से कितना बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी, कितनी होगी, 27। तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729। अब देखो इनका जो योग है वो कितना है, 13,540, इनको जोड़ो कितना आएगा, 5 4 9, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 7 6 कितना आएगा, देखो 5 4, 729 होता है ना, 729, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 7 6 13, तो 13 से 13 से 54 की वैल्यू कितनी है, 13,540। तो यहाँ पर से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। तो पूछ रहा है कि कमल का हिस्सा कितना है, तो कमल का हिस्सा कितना है, 500 729, तो 729 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 729, 10 आगे लगा दो, मतलब 7290 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 265, 580 और 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में कर लीजिएगा। आप लोग क्या करो, अगर कुछ लॉजिक नहीं पता तो इससे आप लोग डिवाइड करके चेक कर लो, सिंपल सा काम है। ठीक है, क्या सिंपल सा काम है, इसको आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, ए की हानि 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। ठीक है, बी के लाभ के 5/7 के बराबर है और ए की हानि है 2460, तो 2460 का 2/3 है ना, और इसका लाभ कितना है, बी का 5/7 के बराबर है, इसको निकाल दो, 3 8 24, 3 2 6 820, गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 1640 बराबर 5/7 इंटू में बी, तो 5 इसको कट कर दो, 5 3 15 1 14 हो गया, 5 2 10, 5 8 40, कितना आया, 328, कितना आ गया, 328। अब इसमें 7 का गुणा कर देंगे हम लोग, 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 7 का, ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 2 14, 15 16 17 18 19, कितना आएगा, 7 8 56 की 6 बचेगा 5, 7 2 14, 15 16 17 18 19 की 9 हासिल 1, 7 3 21 22, कितना आ गया, 2296। तो जो बी का हिस्सा है वो कितना है, 2296। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए की हानि बी के लाभ से कितने के बराबर है, तो देखो ये 2296, वो कितना है, 2460, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो निकाल लो इससे, 2460 से इसको घटा लो, 2460 से इसको घटा लो, कितना, 2296। तो सर ये ज़्यादा आ रहा है, लास्ट में 4 आएगा, 15 में 9 जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ 164 ज़्यादा है, कितने में से ज़्यादा है, 2296 में से, तो 164/2296 कर लोगे। ठीक है, अगर ना आए तो आप लोग सिंपल डिवाइड कर देना, चलो सब मैं बता ही देता हूँ इसको, एक मिनट, 2296 आ गया था यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कितना कर लो, 164 अलग पेज कर लेते ना, 164 आया था भागे 2296, या मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 00 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 7 बार चला जाएगा, तो 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 9 63 64 55 66 67 की 7 हासिल कितना आएगा, 6, 7 2 14, 14 6 कितना हो जाएगा, 20 की 0 बचेगा 2, 7 2 14, 14 2 16, कितना आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 328, दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा, तो 2244 दो बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार, तो 2296 कितना आएगा, 7.1, 107.1, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, इसकी धारिता बताएं, धारिता का मतलब होता है आयतन, इसका आयतन बता दूं, 50 × 25 × 4, देखो 25 × 24 100, 100 में 50 का गुणा करा दो, 50 100, 5000, ऑप्शन नंबर डी,
क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतना है, तो वह धनराशि कितनी, आपको पी का मान बताना है। पी बराबर क्या होता है, ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे टाइम इंटू रेट, ये होता है ना। तो ब्याज कितना है 5427 मल्टीप्लाई 100 बटे टाइम कितना है, टाइम है 6 वर्ष का और ये कितना है 9, इतना ही तो है, कट कर लो इसको, 9×6=54 9×3=27 इतना हो जाएगा, इसको और कट कर लो 3 से 3×2=6 इधर कितना हो जाएगा 3×2=6 3×9=3 201002 से डिवाइड करो कितना आएगा 10050, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर है कि एक व्यक्ति ने 18,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च कर दिए, फिर 12,300 में बेचा, उसका हानि प्रतिशत कितना है। देखो 18,000 में खरीदा था, 2,500 और लगा दिया, कितना हो गया 20,500 में खरीद, मतलब इसका टोटल खर्चा आया और बेचा इसने 12,300 में, कितना 12,300 में कितना आएगा 8,200 आएगा 8,200, तो यहाँ पर कर लो 8,200 बटे 20,500 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट लो, 5×6=20 5×9=5 41 आ गया ना। अच्छा ये ध्यान दो, 41×2=82 होता है, तो इसको 41 से काटोगे, अगर 5 से काटो तो 41 आएगा, 41 से काटोगे तो 5 आएगा, आएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 5×41×2=82 ये कितना हो गया 200 और 5×6 कितना होता है 20, तो ये कितना आ गया सीधा सीधा 40%, ऑप्शन नंबर डी सिंपल है, ठीक है। अगला यहाँ पर फिर आ गया आपका बॉड मास रूल, ठीक है, इसका क्वेश्चन है बॉड मास रूल का। देखो सबसे पहले ये साल कर लो, तो 2×7 14×6 कितना हो जाए 56, अच्छा मल्टीप्लाई लगा के 1/56 भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइड का साइन लगाए, माइनस का 5, अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 से 11 घटाओ कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ पर आएगा ना, कितना आएगा माइनस का 2, अब यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन लगाया तो 5/4 यहाँ लिख लेंगे पहले, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 2 ये वाला, प्लस का हम साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पर फिर 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8×3=24 ध्यान देना 8×3=24 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/24, दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, कट कर लो इसको, कट करेंगे कितना आएगा 7×8=56 2×8 कितना आ गया 1/4 माइनस का 5×2 कितना होता है 10 माइनस माइनस प्लस 10/4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6×24 माइनस का 2/4 कितना आएगा ना, चलो 4 एलसीएम दे लो, यहाँ आएगा 1+10+4×8 -2 जोड़ो कितना हो गया 10 8 18 1 19 19 में 2 घटाओ कितना आएगा 17 17/4 मतलब 4×16 17/4 मतलब 4 से 1/4 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है HF का, HF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर P बराबर दिया है a³ × b⁵ × c⁻¹¹ और Q बराबर दिया है a⁸ × b⁹ × c⁵¹ और R बराबर दिया है a⁵¹ × c⁻³¹ अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा कॉमन मिल जाए आप उसको लिख लो, जैसे इसमें इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, a³ मिल रहा है, यहाँ से भी a³ मिलेगा, यहाँ से भी a³ मिलेगा, तो a³ लिख लेंगे, b⁵ यहाँ है लेकिन यहाँ b नहीं है तो हम b लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि तीनों में कॉमन हमें मिलना चाहिए, अगर तीनों में कॉमन मिल रहा है तो HCF लिखेंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब c की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर c⁻¹ c⁵ c⁻³ तो ज़्यादा पावर कहाँ मिली, c⁵5 तीनों में कॉमन, तो अपना राइट आंसर क्या होगा a³ × c⁵5। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यदि वस्तु को 14 से ही 1/2 और 10 से ही 1/2% की छूट पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 48 है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, हाँ यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखो 10 14 28 29/2 29/2%
माइनस 10 दूनी 20 एक 21/2, ये कितना दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है आपका 48, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, ये दिया है आपको 48, इसके बीच का अंतर निकाल लो कितना आएगा, बटे में 2 ही रहेगा, ये आ जाएगा 8/2 बराबर 48। तो मतलब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एक यहाँ से कितना आएगा, 2 चौके 8, 4 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। 1 की वैल्यू 12 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1200। क्या क्या, ये जो 100 आया है ना, ये आया है अंकित मूल्य। यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 125। लेकिन हमने यहाँ 100 की वैल्यू मतलब अंकित मूल्य निकाला है यहाँ पर, क्योंकि ये अंकित मूल्य का डिफरेंस था, तो यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य, तो 125 की वैल्यू यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 125 की वैल्यू कितनी है, 1200। तो हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ पर देखो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 बराबर 1200 इंटू 125 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 125 गुणे, अच्छा 125 की वैल्यू दे रखी थी ना, यहाँ आएगा देखो 100, ठीक है, यहाँ आएगा 125। एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया इसको, क्योंकि मैं 100 की वैल्यू चाहिए ना, तो 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना, तो 100 गुणे 1200 बटे 125, कट कर लो इसको, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, इसको 5 से कट कर लो, ये कितना आएगा, 4 गुणे 5 दूनी 10 20, 5 चौके 20, 0, 24 चौके कितना होता है, 960। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे, इस पे है कि यदि एक 7 फिट लंबे लड़के की छाया 21 फिट लंबी बन सकती, मतलब ये 7 फिट लंबा है, इसकी छाया ऐसे बन गई 21 फिट की, ये 7 है, ये 21 है, तो पूछ रहा है कि 7 यहाँ पर 15 फिट छाया बनने के लिए लड़के की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अगर ये 15 फिट है लड़के की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिंपल बटे में रख दो, यहाँ पर कितना रख दोगे, 7/21 बराबर x/15, चेक कर लो, 7 3 21, 3 5 15, 5 जाएगा इस साइड, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4th, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर बात, इसमें 22 की बात करें तो इसमें है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे तक चलती है और ए पर रुकती है, इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो 70 की स्पीड से 5 घंटे तक चली तो 7 × 15 कितना हो गया, 35, 350 किलोमीटर प्लस 66 की स्पीड से 3 घंटे तक चली तो 3×18 × 18 = 19, कितना आ गया, 198, दोनों को ऐड कर लो 8 हो गया, 9×5 = 14 × 4 × 3 = 4 = 5, कितना आ गया, 548 किलोमीटर, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इस पे है कि 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 13 के प्रथम 5 गुणज ले लो, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, जब भी कभी ये समांतर श्रेणी में हो तो हमें क्या करना है, 2 पद को ऐड करके 2 का भाग दे देना है, या तो जो पद आपको बीच में मिले आप उसको बता दो कितना मिल रहा है 39, या तो 39 डायरेक्ट बता दो, या तो इसको जोड़ो 5 × 3 = 8, 6 × 1 = 7 / 2 कर दो तो भी कितना आएगा 39 आएगा, चाहे इन दो को जोड़ के 2/2 कर दो तो भी कितना आएगा 39 ही आएगा, ठीक है, इसको चाहे जैसे कर लो आप लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इस पे है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधे के बराबर है, यदि हम ए बी सी का अनुपात देख लें, यहाँ पर है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे है, मतलब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है, अगर मैं तीसरी संख्या 2 ले लूँ तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन है, पहली संख्या, तो ये हो जाएगी 3, ठीक है। इन संख्याओं का औसत 60 है, अगर औसत 60 है तीन संख्याओं का योग कितना होगा, 60 में 3 का गुणा कर दोगे 180 हो जाएगा, इनका योग कितना आएगा, देखो 3 × 2 = 5 = 6, 6 बराबर कितना आ गया 180 के, पूछ रहे तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या यहाँ पर 2 है, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, यहाँ पर है कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार भेजा गया है कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमने यहाँ पर कहा कि जो 60 CP है वो 40 SP के बराबर है, क्या 60 CP 40 SP के बराबर है, तो यहाँ पर कितना आएगा, CP / SP का हम रेशियो देखें
कितना आ गया 40/60, कट करना चाहें तो कितना आएगा 2/3। देखो 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, किससे ज़्यादा है 2 से, परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने 7 बजे से किसकी क्लास देखी थी, रीजनिंग की, जो कि इस प्रकार से हुई थी, ठीक है। 7 से आपने रीजनिंग की क्लास देखी थी, इसके बाद 8 बजे से आप लोग किसकी क्लास देखो, मैथ की, इसकी क्लास मैथ की, और अपनी अभी हमने मैथ की क्लास समाप्त कर दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर ये अच्छी लग रही हो क्लासेस तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ, सेट नंबर 8 के साथ अगले दिन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और हाँ, आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।